आपको डिवाइन कहते हैं, कहना चाहते हैं, यू आर फॉरगिवन, यू विल फाइंड पीस। आपको जिस भी रीज़न से आपने माफ़ी मांगी थी, आपको फॉरगिव किया जा चुका है। और आपको जब आपको फॉरगिवनेस मिल चुकी है, तो आप डिवाइन पीस में ज़रूर आएंगे। आई एम द डिवाइन बिलव्ड एंड गॉड लव्स यू मोर देन यू कैन एवर लव योर सेल्फ। ठीक है, तो आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि आप डिवाइन आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत लव करते हैं। जितना आपने सोचा भी नहीं होगा, उतना लव यहाँ पे डिवाइन आपसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको, आपने खुद से भी इतना प्रेम नहीं किया जितना डिवाइन आपसे करते हैं। तो यहाँ पे जब डिवाइन खुद आपको ये कह रहे हैं, तो इतना पॉजिटिव, इतनी प्यारी ब्लेस मैसेज आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको भी अपना ट्रस्ट बनाए रखना है डिवाइन पर। ओके, ट्रस्ट मत खोइए। चाहे लाइफ में आपकी कैसी भी सिचुएशन आ जाए, आपको विश्वास रखना है कि ईश्वर आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल ही लेंगे। अभी तक निकाला ही है ना आपको, तो आगे भी निकालेंगे, ये विश्वास आपको अपना रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या मैसेज है फ्रेंड्स आपके लिए। यू हैव अ गुड हार्ट एंड पीपल। देखिए, आपको कितनी, आपकी कितना कितना अप्रिसिएशन आपको दे रहे हैं डिवाइन। यू हैव अ गुड हार्ट, आप सच में बहुत ही प्यारी सोल हैं, बहुत ही, आप एक डिवाइन सोल हैं, आप एक एम्पैथ्स हैं। आप दूसरों को देखकर हमेशा, आपको बहुत ही एक इमोशनल फीलिंग आती होगी, आप बहुत सेंसिटिव फील करते होंगे। दूसरों के दुख को आप बहुत जल्दी उन्हें समझ जाते होंगे कि उसके मन में क्या चल रहा है या क्यों वो परेशान है। और आप जब भी आपको समझ में आता है, तो आप तुरंत उसकी हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, या आप नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए प्रे ज़रूर करते हैं। जब आप इतनी डिवाइन सोल हैं, तो यहाँ पे आपके ईश्वर क्यों नहीं सुनेंगे, डिवाइन आपके ज़रूर सुन रहे हैं। और यदि आप सपना देख सकते हैं, तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। ओके, तो डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपने ड्रीम पर ट्रस्ट रखिए। आपको अपने ड्रीम पर कंप्लीट फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है कि आपने जो ड्रीम देखा है वो ज़रूर पूरा होगा, और उसे पूरा आप ही को करना होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे गिव अप कर देंगे, आप यहाँ पे आप ये सोचेंगे कि अब मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब कुछ हो तो रहा नहीं है इतना कुछ करने के बाद भी, तो डिवाइन कहना चाहते हैं कि आप वो दिन याद कीजिए जब आपने ये सब करना शुरू किया था। ठीक है, जब आपने जिस रीज़न से शुरू किया था, वो रीज़न याद कीजिए, वो बिग गोल को याद कीजिए कि आपका बड़ा गोल क्या है। आप एट प्रेजेंट इस छोटी सी सिचुएशन से आप डर रहे हैं, लेकिन आप गिव अप कर रहे हैं, लेकिन आपने शुरुआत क्यों की थी, कहाँ से की थी, उस दिन को याद कीजिए और फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाइए। लिव इन सच ए वे दैट इफ समवन स्पोक बैडली ऑफ यू, नो वन वुड बिलीव इट। ओके, तो यहाँ पे आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में रहिए। आपको अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में रहना है, जो आप हैं वो रहिए। आपको किसी को दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई झूठ का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आप हैं वो हैं। ठीक है, बस आपको हम्बल रहना है, इगोइस्टिक नहीं होना है। बी हम्बल, जो एक यूनिवर्स की डिवाइन की एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिविटी होती है, डिविनिटी होती है, वो अपने अंदर बनाए रखिए। ओके, और बाकी जो कहता है उसे कहने दीजिए। ठीक है, आपको इतनी पॉजिटिविटी अपने अंदर लानी है कि सामने वाला अगर चार लोगों को कहे आपके बारे में, आपको डिफेम करने की कोशिश करे, तो वो विश्वास ही नहीं कर पाए कि आप ऐसा कर सकते हैं। उसको 10 बार सोचना पड़े कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। ठीक है, आप ऐसा तभी, और ऐसे एनर्जीज में आप तभी आ पाएंगे जब आप ट्रस्ट रखेंगे, अपनी खुद पर विश्वास रखेंगे, डिवाइन पर विश्वास रखेंगे। दे फाइनली सी योर वर्थ नाउ। ठीक है, जो लोग आपको अभी तक ट्रस्ट नहीं करते थे ना, जो लोग आपका मजाक उड़ाते थे, मजाक बनाते थे, आपको ग्रांटेड लेते थे, ठीक है, आपकी आपकी सजेशंस को ऑप्शनल रखते थे, आपकी सजेशंस को एक्सेप्ट नहीं करते थे, ये, या अगर आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो अगर वो ऐसी एनर्जीज में थे, तो फाइनली उन्होंने आपकी वर्थ को अब समझ लिया है। ठीक है, अब वो समझ चुके हैं कि आप क्या हैं। आप ऐसे ही उनकी लाइफ में नहीं आए थे। ठीक है, आपकी वर्थ उन्हें समझ में आ चुकी है, और ये डिवाइन ने उन्हें समझाई है आपकी वर्थ। और उसके बाद यहाँ पे, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। देखिए, यहाँ पे आपको यूनिवर्स, डिवाइन आपको साफ साफ कह रहे हैं कि सबसे पहले तो खुद पर विश्वास रखिए ना। पहला ही मैसेज था यहाँ पे कि
कि आपको अपने ड्रीम पर विश्वास रखना है, और उसी से कनेक्टेड मैसेज यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अपने आप पर, खुद पर विश्वास कीजिए, तभी आप डिवाइन पर भी विश्वास कर पाएंगे, ठीक है। तभी आप अपने ईश्वर पर, अपने गॉड पर विश्वास कर पाएंगे। तो विश्वास कीजिए, आपके विश्वास की जीत हो रही है। बस आप क्या हो रहा है, आप बीच बीच में आपका विश्वास जो है जो हिल रहा है, बार बार इधर उधर हो रहा है, तो उसे तो बनाए रखना होगा आपको। योर पाथ मे बी रफ। देखिए डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि आपका पाथ नॉर्मल नहीं है, आपका पाथ इजी नहीं है, और बहुत सारे टेस्ट एंड ट्रिगर्स यहाँ पे आपको इस वक्त मिल रहे हैं। लेकिन डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ है ना, आप अकेले थोड़ी चल रहे हैं इस जर्नी में, इस पाथ पर आपके साथ डिवाइन है, वो स्वयं खुद आपके साथ हैं। तो आपको चलते जाना है, बस चलते जाइए, अपना कर्म करते जाइए। आगे किस तरीके से आप पहुँचेंगे वो डिवाइन का काम है, वो आपका काम नहीं है। उसके लिए डिवाइन है ना, जब तक अंधेरा रहेगा तो सुबह का इंतज़ार करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैसेज बहुत क्लियर है यहाँ पे कि आपको डिवाइन टाइम का वेट करना है। डिवाइन टाइम पर ही आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, आप जिस भी पर्पज से इस रीडिंग में आए हैं, तो डिवाइन टाइम का वेट करना है आपको। यू आर कॉन्कर थ्रू क्राइस्ट हु गिव्स यू स्ट्रेंथ, ठीक है। आप यहाँ पे इस सिचुएशन से, इस डिफ़िकल्ट फेज से भी निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। डिवाइन की स्ट्रेंथ आपके अंदर है, बस आपको पहचानने की ज़रूरत है, और उसके लिए आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। ए गुड फ्रेंड इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में एक डिवाइन सोल आ रही है, एक सोलमेट कनेक्शन आ सकता है, जो आपके लिए एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, ओके। यहाँ पे आप अभी जहाँ पे ब्लॉक, स्टक फील कर रहे हैं, रुका हुआ महसूस कर रहे हैं अपनी जर्नी को, अपनी लाइफ में, या आपको लग रहा है कि कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में एक ऐसी सोल, यूनिवर्स, डिवाइन लेकर आ रहे हैं जो आपको मोटिवेट करेगी, आपको आपकी लाइफ में एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगी, ओके। जो रुका हुआ था वो सभी चीज़ें मूव करने लगेंगी। ये डिवाइन की इच्छा से हो रहा है और यही डिवाइन टाइम है। अ न्यू सीजन अबाउट टू बिगिन इन योर लाइफ। देखिए यहाँ पे जब ये गुड फ्रेंड, ये सोलमेट, या एक प्योर सोल, डिवाइन सोल, यहाँ पे ये गुरु भी हो सकते हैं, आपके मेंटोर हो सकते हैं, आपके गाइड हो सकते हैं, जब ये सोल यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रही है, तो न्यू सीजन इज़ अबाउट टू बिगिन इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, एक नई शुरुआत डिवाइन आपकी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। उसके लिए रेडी रहिए और उसके लिए ट्रस्ट रखिए। ट्रू फेथ मीन्स होल्डिंग बैक। देखिए ट्रस्ट की बात की थी और आपको डिवाइन यही कह रहे हैं, ट्रू फेथ मीन्स होल्डिंग बैक, ठीक है। ट्रस्ट रखिए, कंप्लीट ट्रस्ट। रीडिंग में स्ट्रॉन्ग मैसेज यही है कि कंप्लीट ट्रस्ट रखिए कि डिवाइन ने जो कर रहे हैं वो आपके बेस्ट के लिए ही कर रहे हैं, ओके। ट्रस्ट, देखिए ट्रस्ट की बात चल रही है। ट्रस्ट द यूनिवर्स, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट एज इट शुड बी पेशेंट। आपको अभी यही कहा था, ट्रस्ट रखिए, पेशेंस आपको रखने की ज़रूरत है, क्योंकि डिवाइन टाइम आप ही के लिए काम कर रही है और एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट एज इट शुड बी। जो जिस समय इस वक्त जो होना चाहिए था ना, जो रिटर्न है आपके लिए, आपकी लाइफ में वही हो रहा है, और जब ऑलरेडी रिटर्न है तो वो आपका मिलना ही मिलना है, ठीक है। ये ट्रस्ट आपको बनाना होगा, अपने अंदर डेवलप करना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद देखिए एंजल्स ब्लेसिंग, यहाँ पे आपकी लाइफ में एंजल्स की ब्लेसिंग आ रही है। अगर आप एंजल्स को मानते हैं तो यहाँ पे आपकी लाइफ में एंजल्स की ब्लेसिंग आ रही है, आपके ईस्ट की, आप जिनका भी नाम जप करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रही है। बस आपको ट्रस्ट रखना है, विश्वास तो कीजिए थोड़ा, जस्ट रेस्ट फॉर अ मोमेंट, इट्स ओके। तो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, डिप्रेशन वाली एनर्जी में जा रहे हैं, खुद को गिवअप वाली एनर्जी में लेकर जा रहे हैं, ठीक है। रेस्टलेस हो रहे हैं और गिवअप करने की एनर्जी में जा रहे हैं। तो जिनकी भी ऐसी एनर्जीज हैं, तो यूनिवर्स, डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि रिलैक्स, इस वक्त आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। सब कुछ ठीक हो रहा है, डिवाइन टाइम आ रहा है आपका, बस पेशेंस रखिए, थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। थैंक गॉड फॉर द सिंपल थिंग्स लाइक बीइंग अलाइव। आपको धन्यवाद देना है यूनिवर्स का, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए कि आप यहाँ तक आए तो आपने कितना स्ट्रगल फेस किया। ऐसी भी सिचुएशन थी जब आपको लगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है, वो सिचुएशन से भी आपको डिवाइन ने बाहर निकाला और अब यहाँ तक आए,
इस सिचुएशन से, एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है उससे भी आपको डिवाइन बाहर निकालेंगे। बस आपको सरेंडर करते हुए विश्वास रखना है। और उसके बाद यहाँ पे नेवर ट्रस्ट एनीवन कंप्लीटली बट गॉड, लव पीपल बट योर फुल ट्रस्ट ओनली इन गॉड। ठीक है, यहाँ पे डिवाइन आपको ये एक मैसेज है, गाइडेंस है कि आपको किसी पर भी कम्प्लीटली ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। ब्लाइंड फेथ सिर्फ और सिर्फ आपको ईश्वर पर करना है, डिवाइन पर करना है, और किसी पर भी नहीं करना है। ठीक है, ये आपके लिए एक अलर्ट मैसेज भी हो सकता है कि आप किसी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, कम्प्लीटली बिना देखे आप उसे हर बात अपनी शेयर कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव, अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आप शेयर कर रहे हैं, या अपनी लाइफ की कुछ भी बातें आप उन्हें शेयर कर रहे हैं, तो वो ज़रा कम कीजिए। ठीक है, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए। ब्लाइंडली ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको डिवाइन से करना है। और इस डेक से भी देखते हैं आपके लिए, शफल मैंने पहले ही करके रखे हैं फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे डिवाइन ने दो कार्ड्स दिए हैं, एक कार्ड आया है पॉजिटिविटी का और एक कार्ड आया है पे टाइम का। आई होप आप कार्ड्स देख पा रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, पे बी पॉजिटिव एंड पे टाइम, यहाँ पे सीधा सीधा मैसेज है डिवाइन का कि आपको क्या करना है। जो एक पूरी रीडिंग में आज यही मैसेज था, कंप्लीट ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है, पेशेंस रखना है और पॉजिटिव रहना है। तो ये आपको डिवाइन यही कहना चाहते हैं, पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आपका पे टाइम, आपका जो डिवाइन टाइम है वो आ ही रहा है, आने ही वाला है आपका डिवाइन टाइम। ठीक है, क्योंकि डिवाइन टाइम यहाँ पे वर्क कर रहा है ऑलरेडी। और यहाँ पे मैसेज भी यही है, नो दैट एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज़ वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। ठीक है, आपको डिवाइन क्या कह रहे हैं, वेट फॉर द राइट टाइम, डिवाइन प्लान इज़ वर्किंग। जो भी इस वक्त अनवांटेड बैड हैपनिंग आपकी लाइफ में हो रही हैं वो ख़त्म होने वाली हैं, और आपके गुड कर्मास का रिजल्ट, एक फ्रूटफुल ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपकी लाइफ में आ रही है। यू हैव टू पे योर डीड्स, तो जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, जो शुभ कर्म किए हैं, वो उन शुभ कर्मों का परिणाम यहाँ पे अब आपको मिलने वाला है। जो ट्रस्ट आपने यूनिवर्स पर, डिवाइन पर अभी तक बनाया हुआ है, उस ट्रस्ट की जीत हो रही है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए डिवाइन की बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स, बहुत ही अमेजिंग ब्लेसिंग्स के साथ। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। डिवाइन की ब्लेसिंग और डिवाइन की गाइडेंस भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा प्लीज़, है ना, ट्रस्ट रखिए। और रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच, इतनी वेरी ब्लेसिंग्स, इतने प्यारे कमेंट्स करने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में ऐसी ही प्यारी डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।